सोनल की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके का प्यार, सपोर्ट, जो प्रेयर्स मिल रहे हैं ऑडियंस की तरफ से, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज़ जब हम लोग ये पिक्चर बना रहे थे कि सिर्फ हमारा दिमाग में ये प्लान था कि हम लोग ये कनाडा में रिलीज़ करेंगे, बट हमारे प्रोड्यूसर फोर्स करने के बाद हम लोग पैन इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं। तो बहुत डर था कि हिंदी वालों को, नॉर्थ वालों की ये मेरी पिक्चर पसंद आएगी नहीं, गाने पसंद आएंगे कि नहीं, कंटेंट पसंद आएगा कि नहीं, मैं पसंद आऊँगा कि नहीं, बट मैं गलत था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। थैंक यू एवरी वन, थैंक यू सो मच। सर बहुत हम लोगों ने बहुत मज़े किए सर, बहुत मज़े किए, वी हैड लॉट ऑफ फन। मैं 80 दिन था वहाँ पर बनारस में, एंड आई थिंक सो 40 डेज शी वॉज ऑल्सो विथ अस। सो हम लोगों ने 84 घाट्स में भी हम लोगों ने शूटिंग की है। वी हैव एक्सप्लोर्ड बनारस लाइक एनीथिंग। शायद भी आज तक कोई डायरेक्टर या कोई फिल्म ने इतने अच्छे तरीके से बनारस को एक्सप्लोर ना किया होगा। उससे भी अच्छे से ज़्यादा हम लोगों ने हमारी बनारस के पिक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से अपने जो जितने भी घाट्स हैं, वहाँ की जितनी भी गलीज हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, वहाँ के जो डिशेज़ हैं, खाने के जो स्वीट्स, चाट्स, हर चीज़ से भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। और बनारस एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ अ लव स्टोरी है, तो हम लोगों ने जो बैकड्रॉप बनारस में जो हम लोगों ने किया है, वो शायद ऑडियंस को, जनता को बहुत पसंद आएगा। बनारस की जो संस्कृति है, सभ्यता है जी, उसको लेकर किस तरह से फिल्म में दर्शाया गया, उसके बारे में दर्शकों, सॉरी सर आपकी, बनारस की जो संस्कृति सभ्यता है, जिस तरह से आपने बताया काफी दिन शूटिंग वहाँ हुई, नाम भी फिल्म काफी बनारस है, सर आप जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक हिस्ट्री फिल्म देख रहे हैं या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बंदा आता है थिएटर को टू एंटरटेन हिम, मतलब उसको एंटरटेनमेंट देना हमारी जिम्मेदारी है। तो एंटरटेनमेंट मसाला पूरा मिक्स जॉनर करके, वहाँ की जितने भी जो कल्चर है सब पूरा मिक्स मैच करके हम लोगों ने दिया है। एवरीथिंग इज शॉट, गंगा आरती होने दो, वहाँ का वो पूजा, नहीं तो इवनिंग में बच्चे लोग स्काइट फ्लाई कर भी नहीं कर सकते। सो जो आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत खुशी होगी कि आपको दिमाग में ये आएगा कि अरे बापरे ये सब चीज़ें हैं क्या वहाँ पर। हाँ। हमें भी पता नहीं था। हम लोगों ने आई थिंक मैं और हमारे डायरेक्टर और हमारे कैमरामैन बिफोर द शूट हम लोग 30 दिन वहाँ पर ही थे, तो जानकारी लेने के लिए, पता ना चला लोकेशंस हंटिंग के लिए। सो तभी हमें पता चला, तो तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी 80-85% की पूरी पिक्चर हम लोग बनारस में शूट करेंगे। सर बनारस के अलावा हम लोगों ने बैंगलोर में थोड़ा बहुत पोर्शन शूट किया, 10-15%, और दो गाने हम लोगों ने बैंगलोर में शूट किए। एक सेट का गाना था, रोमांटिक गाना, वो अभी थोड़े दिन में भी रिलीज़ हो जाएगा। सो वो एक गाना हम लोगों ने शूट किया, और एक जो ट्रॉल गाना जो था पार्टी सॉन्ग, वो हमको बैंकॉक में शूट करना था, बट अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक हम लोगों ने गोवा में वो गाना शूट किया। टाइम के ऊपर ये मूवी है, टाइम के अनुसार आप लोग फ्यूचर में भी जाते हैं, पास्ट में भी। अगर आप रियल लाइफ में, आप लोगों को बहुत सारे सवाल पूछा गया होगा, रियल लाइफ में अगर आपको मौका मिले तो क्या, कौन से आप लोग फ्यूचर में जाना चाहेंगे, पास्ट में जाना चाहेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे? पास्ट में तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता, अगर फ्यूचर में जाना, अगर मुझे मौका मिला तो आई थिंक अगर फ्यूचर में अगर मैं स्टार नहीं बन रहा हूँ, इफ आई एम नॉट बिकमिंग अ स्टार फॉर सम रीज़न, आई थिंक आई विल करेक्ट दैट रीज़न। नहीं, एज ही सेड, मुझे भी मेरा पास्ट चेंज नहीं करना है, बिकॉज आई हैव हैड अ ब्यूटिफुल जर्नी, मेरा जर्नी बहुत ब्यूटिफुल रहा है, सो आई डोंट वॉन्ट टू चेंज माई पास्ट। बट यस, फ्यूचर्स, लेट्स सी, I think, nahin, it should be a surprise, the future should be a surprise, so I don't want to change anything. Sir, जब हम लोगों ने पैन इंडिया डिसाइड किया तो उसका मेन रीज़न ये था कि जब मेरी पिक्चर जब कंप्लीट हो गई, जब मुझे एक रफ कॉपी मिली, तो मैंने क्या किया, हमारे जितने भी मेरे और हमारे प्रोड्यूसर के जितने भी फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से, चाहे आर्टिस्ट ले लीजिए या फिर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उन सब लोगों को हम लोगों ने बैंगलोर इनवाइट किया, तेलुगु इंडस्ट्री से इनवाइट किया, तमिल इंडस्ट्री से हम लोगों ने इन्वाइट किया, केरला इंडस्ट्री से हम लोगों ने इन्वाइट किया। ऐसे नहीं कि हमको बिजनेस करना है या फिर वी जस्ट वॉन्टेड देयर
देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम लोग सुबह शाम दिन रात हमारी पिक्चर देखते थे तो हमको हमारी पिक्चर हमें अच्छी लगती ही है. सो एक फ्रेश माइंड से कोई एक बंदा जब भी आके देखेगा, बिकॉज नॉर्थ का माइंड अलग रहता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है, साउथ का अलग रहता है, तो इसीलिए हम लोगों ने दिखाने के लिए हम लोगों ने बैंगलोर उनको बुलाया. तो वो लोग पिक्चर देखने के बाद उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया, उन्होंने मुझे शक्ति दी, उन्होंने बोला कि तेरी पिक्चर बहुत अच्छी है, यू हैव रूल्ड द कैरेक्टर और कंटेंट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी यूनिवर्सल, एवरी विजुअल, हर एक फ्रेम भी इट इज़ लाइक अ पेंटिंग, सो यू हैव टू डू इट इन पैन इंडिया. आई थिंक वहाँ से हमें एक शक्ति मिली, एक पावर मिला कि हमें पैन इंडिया करना चाहिए. तो आई थिंक रेस्पॉन्स भी उसी तरीके से आ रहा है. रेस्पॉन्स तेलुगु इंडस्ट्री का काम करने का तरीका अलग है, वहाँ की पिक्चरों का कंटेंट टाइप अलग है, तमिल का अलग है. बट जब मैंने डिसाइड किया कि हम लोग ये पिक्चर करेंगे, इट वाज अ यूनिवर्सल कंटेंट, सो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली वर्क.